नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। कश्मीर में राजौरी के नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे झांसी के छात्रों को वहां के छात्रों द्वारा पीटने की सूचना पर जब बरुआ सागर के नवोदय विद्यालय पहुंची तो माहौल खराब हो गया। बरुआ सागर के नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले राजौरी के छात्रों के साथ स्थानीय छात्रों ने भी वही सलूक कर डाला। हॉस्टल में बवाल हो गया, पथराव तक होने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत किया। अब राजौरी के छात्रों को झांसी से वापस कश्मीर भेजा जा रहा है, जबकि कश्मीर में पढ़ रहे झांसी के छात्रों को वापस यहां लाया जा रहा है। दरअसल जुलाई माह में बरुआ सागर नवोदय विद्यालय के कक्षा 9 के 20 छात्रों को वहां की संस्कृति समझने के लिए कश्मीर के राजौरी में स्थित नवोदय विद्यालय में भेजा गया था, जबकि राजौरी से 18 छात्र यहां आए हुए थे। बुधवार की शाम को बरुआ सागर के स्कूल में सूचना पहुंची कि राजौरी में पढ़ रहे झांसी के छात्रों के साथ मारपीट की गई है, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए हैं। इससे यहां आक्रोश फैल गया है। बरुआ सागर में नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में रह रहे राजौरी के छात्रों पर यहां के छात्रों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पथराव होने लगा। विद्यालय के स्टाफ ने किसी तरह से राजौरी के बच्चों को यहां से सुरक्षित निकाला और प्रशासनिक भवन में बैठा दिया। इस पर स्थानीय बच्चे प्रशासनिक भवन के गेट तक पहुंच गए, बवाल होने लगा। सूचना पर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह और सीओ राजेश कुमार राय प्रशासनिक अफसरों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और राजौरी के बच्चों को यहां से हटाने की मांग करने लगे। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस टीम पर भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए गए। जब पुलिस ने बल का प्रयोग किया तो छात्र धरने पर बैठ गए। रात को तकरीबन 10 बजे मामला शांत हुआ। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में राजौरी के छात्रों को विद्यालय से निकालकर सुरक्षा के साथ रेलवे स्टेशन भेजा गया। यहां से उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के बीच वापस राजौरी भेजा जा रहा है, जबकि राजौरी गए बच्चे भी वापस झांसी आ रहे हैं। मेरा नाम आगे बिहारी। क्या मामला है? मामला ये है कि जब बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से केवल यहाँ पे बैठे थे, रोड पर बैठे थे, बातचीत हो रही थी आपस में बातचीत, उसके बाद हमको हम प्रिंसिपल सर के पास आए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम समझाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। हमने बिल्कुल सर जैसी आप कहेंगे। मामला क्या हुआ? मामला था ये कि जो हमारे यहाँ के माइग्रेशन जाता है क्लास 9 का, तो हमारे 20 बच्चे जो जम्मू कश्मीर राजौरी के नवोदय में गए थे, तो उनको इतनी बुरी तरह से मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनका एक बच्चे का हाथ टूट गया, एक का पैर में फ्रैक्चर है और पेट में रॉड मारी गई, सरियों से हमला किया गया। उनका हमला जानलेवा था, यदि समय रहते टीचर ना पहुंचते तो एक दो बच्चों की जान जा सकती थी। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है उसके बाद पेंस वाले को एक लोग बोलो भाई वहां पे जब मामले एक मिनट भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन राजपूत है। क्या हुआ आपके साथ? मैं जब सब बच्चे वहां पे खड़े थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से जब उस पे लाठी चार्ज हुई तो सब लोग वहां से भागे। उसमें मैं गिर गया धरती पे। जब ग्रिल पे मैं पड़ा था वहाँ पे, तो इनमें किसी ने भी हुक्म मैंने ना सकल दी किसी की, उसमें दो डंडे मेरी पीठ में मारे गए ठीक है, उसके गिरने के बावजूद भी, और माँ की गालियाँ दी गई, और फिर उठ के भागा। एक कोई खड़ा था वहाँ पे, उन्होंने वो बंदूक की बट से मेरी फिर भी यहाँ पे मारा कंधे में। हमारा लगभग कितने बच्चे चोटिल हुए? हमारी लगभग तरफ से कम से कम 10 से 15 बच्चों के ऊपर हमला हुआ है, 10 से 15 बच्चों। मेरा नाम सर, क्या नाम है? मैं आरपी तिवारी। सर क्या मामला है पूरा, ये क्यों बवाल हो रहा है? मामला ये है सर कि हमारे यहाँ माइग्रेशन पॉलिसी है नवोदय विद्यालय समिति में, जिसमें हिंदी बेल्ट से नॉन हिंदी बेल्ट और नॉन हिंदी बेल्ट से हिंदी बेल्ट में बच्चे आते हैं। तो हमारे यहाँ के 20 बच्चे राजौरी जम्मू एंड कश्मीर गए हुए हैं और 18 बच्चे वहाँ से आए हुए हैं। तो वहाँ पर जो हमारे बच्चे गए हुए हैं उनको 11th के बच्चों ने मारा, ऐसी सूचना हमारे बच्चों को यहाँ पर प्राप्त हुई। तो इनको भी आक्रोश आया और इन्होंने भी हमारे जो वहाँ से बच्चे आए हुए हैं उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन हमारे टीचर्स ने उसको बचा लिया और बचा करके स्टाफ रूम ले गए और वहाँ पर उनको रखा। वहाँ पर उनको खाना भी दिया गया और वहाँ पर रखा गया उनको सुरक्षित पूरी तरह से। लेकिन चूंकि हमारे बच्चों में आक्रोश है कि हमारे जो बच्चे जम्मू गए हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, उनको मार दिए वो लोग, इसलिए ये लोग बहुत गुस्से में हैं कि हम यहाँ से इन बच्चों को जाने नहीं देंगे और मारेंगे। ये इनका आक्रोश है। हम लोगों ने दिन भर इनको समझाने की कोशिश किया बेटा कि वहाँ से हम बच्चों को बुला रहे हैं। लगभग कितने बच्चे घायल हुए हैं इसमें? वहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं इधर बरुआ सागर में, घायल जैसी कोई बात नहीं है, मामूली चोटे एक दो बच्चों को है। एक दो बच्चे, एक बच्चे दो मांग क्या कर रहे हैं यहाँ के? यहाँ के बच्चे मांग कर रहे हैं कि इन बच्चों को जो वहाँ से आए हुए हम मारेंगे, बिना मारे जाने नहीं देंगे। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार से ये कानून अपने हाथ में ले, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ से जो बच्चे आए हैं वो सुरक्षित वापस जाए, क्योंकि कानून। सर क्या मामला है? दो गुटों में झगड़ा हो गया छात्रों में, क्या? ये दो गुटों में झगड़ा नहीं, यहाँ पे नवोदय विद्यालय में बच्चे कुछ आक्रोशित थे,
जिनको समझा बुझा करके यहाँ से हटा दिया गया है। इशू ये था कि पॉलिसी के तहत जुलाई में यहाँ से 20 बच्चे गए हुए हैं राजौरी जम्मू कश्मीर, और वहाँ से 20 बच्चे यहाँ आए हुए हैं। ये नेशनल इंटीग्रेशन के पॉलिसी के तहत ये जब से नवोदय विद्यालय इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तब से ये पॉलिसी चालू है। इसी के तहत ये बच्चे एक्सचेंज यहाँ पर हुए थे। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको कल सूचना मिली थी कि जो यहाँ से बच्चे जम्मू कश्मीर राजौरी गए हैं उनके साथ कुछ मारपीट हो गई है। इसको लेकर के बच्चे आज यहाँ आक्रोशित थे कि यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनके साथ हम मारपीट करेंगे। इसको लेकर के वो आक्रोशित थे और उनको घेरने का प्रयास कर रहे थे। जब जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली हम सब लोग यहाँ पर आए, उन बच्चों को समझा बुझा करके जो यहाँ पे लोकल बच्चे थे उनको हटाया गया है, और जो बच्चे जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ आए थे उनको हम लोगों ने निकाल करके वापस इनको भेज रहे हैं। उपलब्ध है 750 स्क्वायर फीट में डबल स्टोरी होम, जिसमें आपको मिलेगा 5 रूम, 2 किचन, 2 टॉयलेट, बालकनी, पोर्च, फ्रंट एंड बैक साइड, वेल मेंटेन रोड, JDA अप्रूव्ड, नेगोशिएबल प्राइस 50 लाख। एड्रेस है जावेद अनवर, सीपी मनीष इलेक्ट्रॉनिक वाली लेन में, आर्य समाज मंदिर के पास, सीपी बाजार, झांसी। कॉन्टेक्ट नंबर 8299006312।